Good afternoon all. Today in this lecture video we will discuss about microbiological assay for vitamins. In my previous video I will discuss about microbiological assay for antibiotics, in which we will study two main methods. First method is cylindrical plate method, which we also call cup plate method, and second method is turbidimetric method. The other name of this method is tube assay method. These are the two methods which we use for the microbiological assay of antibiotics. So in this study, in this video, we will study about assays for vitamins. Both these assays are opposite to each other. For antibiotics, we will measure the zone of inhibition, means जो एंटीबायोटिक हमने लिया है वो कितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल कर पा रहा है. और इस वीडियो में जब हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे विटामिन्स के लिए कर रहे हैं तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हुई है. तो ये दोनों ऐसे जो है, इनका जो रिजल्ट आता है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आता है. क्योंकि एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए या किल करने के लिए यूज किए जाते हैं. जबकि जो विटामिन्स होते हैं ये क्या है, एक तरह का ग्रोथ फैक्टर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन विटामिन्स को यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ साइनोकोबालमिन, जिसको हम विटामिन B12 भी कहते हैं. तो इसके एसे के लिए हम कौन कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. विटामिन्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स नीड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो विटामिन्स होते हैं हमारे ग्रोथ फैक्टर, एक तरह के ग्रोथ फैक्टर है जो कि जरूरी है, एक तरह की रिक्वायरमेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो विटामिन्स को हम एक तरह का ग्रोथ फैक्टर भी बोल सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या मल्टीप्लिकेशन को प्रमोट करते हैं. दे आर वेरी सेंसिटिव टू दे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के लिए. अगर कम अमाउंट में, कम कंसेंट्रेशन में ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है तो भी वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके लिए रिस्पॉन्स करते हैं बहुत ज्यादा. Its ability of this microorganism to synthesize, not synthesize, to utilize the factor being assayed that forms the basis of microbiological assay to vitamins and amino acids. जो microorganism हम choose करते हैं इसके assay के लिए, vitamins के assay के लिए, वो microorganism इन vitamins को utilize करते हैं अपनी growth के लिए. उससे जितना ज़्यादा वो vitamins को utilize करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी growth होगी. तो हम ग्रोथ से, जो उनकी ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उस ग्रोथ से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने विटामिन और अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज किया. तो इसी से हम इसका माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट मेथड फॉर द एसे ऑफ विटामिन्स, फर्स्ट मेथड इज टाइट्रीमेट्रिक मेथड. टाइट्रीमेट्रिक मेथड, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करना है. जो केमिस्ट्री में हम करते हैं एनालिसिस में टाइट्रेशन करते हैं, वही इसमें भी हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करनी है. विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ विटामिन्स यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसका प्रोसीजर क्या है इसको करने का, क्लीन 10+4 टेस्ट ट्यूब्स विद 0.5, 1, 1.5 अलग अलग कंसेंट्रेशन के. हमने क्या लेना है, स्टैंडर्ड कोबाल में, साइनोकोबाल में सॉल्यूशन लेना है और उसको हमें 10 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डालना है. जैसे हमने कंसेंट्रेशन कहाँ से स्टार्ट करी, 0.5 से, 1, 1.5, 2, 2.5 यहाँ से स्टार्ट करी और उसको हमें ऐसे 10 टेस्ट ट्यूब्स प्रिपेयर करनी है जो कि 5 ml तक प्रिपेयर होंगे, बनेगा. और 4 अलग टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जिसके अंदर हमें कोई स्टैंडर्ड जो कोबालमिन सॉल्यूशन है वो नहीं डालना. अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कंपेयर करना है
स्टैंडर्ड को टेस्ट के साथ हमें कंपेयर करना है। तो इसके अंदर हम स्टैंडर्ड को असाइनर को बाल मिल लेंगे और एक टेस्ट जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उसको लेंगे, तो उनको कंपेयर करेंगे, उनके रिजल्ट जो आएगा उसको कंपेयर करेंगे। जब आपने क्या किया, 10 टेस्ट ट्यूब्स ली, उसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के जो स्टैंडर्ड साइनोकोबालमिन था, विटामिन B12 था, वो डाल दिया और 4 टेस्ट ट्यूब ब्लैंक रखी। अब टोटल हमारे पास कितनी होगी, 14 टेस्ट ट्यूब्स होगी। तो ईच टेस्ट ट्यूब एड 5 ml बेसल मीडियम स्ट्रोक सोल्यूशन। ये बेसल मीडियम क्या है, ये वो मीडियम है जो कि हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, जो उनको चाहिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। तो 5 उन जो टेस्ट ट्यूब जो ऊपर आपने 14 टेस्ट ट्यूब्स ली थी उनके अंदर 5 ml आप बेसल मीडियम ऐड कर दो। एडजस्ट फाइनल वॉल्यूम बाय 10 ml बाय यूजिंग वाटर। अब आपने क्या करना है, उन सारी टेस्ट ट्यूब्स की वॉल्यूम जो है 10 ml तक बनानी है। जितना रिमेनिंग, जैसे आपने क्या किया था, 5 ml बेसल मीडियम लिया था और बाकी ऊपर वाला सॉल्यूशन लिया था एंटीबायोटिक का, तो जितना बच गया उतना आप 10 ml तक उसको पानी से भर दोगे, तो आपको फाइनल वॉल्यूम जो है वो 10 ml बनानी है पानी के साथ। अब क्या लोगे, वो थे 14 टेस्ट ट्यूब अलग, ऊपर एक अलग 4 टेस्ट ट्यूब टेस्ट के लिए लोगे, उसके अंदर आप 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml टेस्ट सॉल्यूशन डाल दोगे आपका, जिसको आपने टेस्ट करना है, ऐसे करना। तो इस टेस्ट ट्यूब, अब दोबारा से इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 5 ml बेसल मीडियम स्ट्रोक सॉल्यूशन डालोगे, फाइनल वॉल्यूम 10 ml तक पानी के साथ एडजस्ट कर दोगे। स्टरलाइज ऑल टेस्ट ट्यूब्स इन ऑटोक्लेव, सभी टेस्ट ट्यूब्स को आप ऑटोक्लेव के अंदर टेस्ट ट्यूब स्टरलाइज करोगे 120 डिग्री सेल्सियस तक 5 मिनट तक। Afterward, cools at room temperature. Room temperature पर वो ठंडा करोगे, inoculate करोगे, उसके अंदर एक ड्रॉप इनोकुलम की, इनोकुलम क्या है आपका, बैक्टीरिया है जिससे आप इसको चेक करोगे, उसको 64 से 72 आवर्स तक इनक्यूबेट करके रख दोगे। टेम्परेचर क्या है आपका, 32 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करोगे। उसके बाद जब आपका इनक्यूबेशन पीरियड, ये जो आपने 64 से 72 आवर्स तक रखा था, जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप टाइट्रेट करोगे हर एक टेस्ट ट्यूब को 0.05 नॉर्मल NaOH के साथ, और यूज क्या करोगे, 0.1% वेट बाय वॉल्यूम ब्रोमोथाइमोल ब्लू एज अ इंडिकेटर। हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू को एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसके साथ टाइट्रेशन करनी है, 0.0 नॉर्मल NaOH के साथ। जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स आपने ली थी सभी टेस्ट ट्यूब्स की आप टाइट्रेशन करोगे इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद आप डिटरमाइन द एवरेज ऑफ टाइट्रेशन वैल्यूज फॉर ईच लेवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। अब आप जितना ज्यादा आपका टाइट्रेशन जो आपने वो सॉल्यूशन दिया है NaOH का, वो कितना ज्यादा आपका कंज्यूम हुआ है, वो चीज आप चेक करोगे स्टैंडर्ड के लिए भी और टेस्ट के लिए भी। उसके बाद आप प्लॉट ग्राफ करोगे किसके वर्सेस, स्टैंडर्ड साइनोकोबालमिन सॉल्यूशन के और टाइट्रेशन वॉल्यूम के, जितनी वॉल्यूम आपकी लगी है टाइट्रेशन वॉल्यूम की और कितना आपने साइनोकोबालमिन सॉल्यूशन यूज किया है उसके वर्सेस आप एक प्लॉट ड्रॉ करोगे। ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये आपका स्टैंडर्ड के लिए, सेम आपका टेस्ट के लिए भी आना चाहिए। अगर आपका सेम ग्राफ आता है तो दैट मीन्स आपका जो टेस्ट एंटीबायोटिक था वो उतना ही इफेक्टिव है जितना कि आपका स्टैंडर्ड इफेक्टिव है। तो ये टेस्ट था आपका टाइट्रीमेट्रिक मेथड, जिसके अंदर हम टाइट्रेशन की हेल्प से ऐसे करते हैं विटामिन B12 को। यह आपका वॉल्यूम दिखाया गया है कि स्टैंडर्ड का कितना लेना है, बेसल मीडियम कितना लेना है, वॉल्यूम पानी कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर। नीचे टेस्ट का है, ऊपर ये 10 ट्यूब जो है आपकी स्टैंडर्ड की है, नीचे टेस्ट के लिए है। सेकंड मेथड है इसी के लिए, ऐसे करने के लिए विटामिन्स का ही हमारे पास सेकंड मेथड है, टर्बिडीमेट्रिक मेथड। टर्बिडीमेट्रिक मेथड के अंदर आप क्या करते हो, अपरेटस रिएजेंट्स एंड प्रोसीजर्स आर सेम एज टाइट्रीमेट्रिक मेथड। सब कुछ बिल्कुल टाइट्रीमेट्रिक मेथड के जैसे है, बट दिस टेस्ट इंक्लूड्स टू मोर टेस्ट ट्यूब्स। इसके अंदर दो अलग से टेस्ट ट्यूब्स और ऐड करेंगे हम, टू विच नाइदर स्टैंडर्ड साइनोकोबालमिन सॉल्यूशन नोर टेस्ट सॉल्यूशन नोर इनोकुलम इज एडेड। हम ऐसे दो टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिनके अंदर ना तो हम स्टैंडर्ड डाल रहे हैं, ना ही टेस्ट का डाल रहे हैं, ना ही उसके अंदर इनोकुलम डाल रहे हैं। इनोकुलम क्या होता है आपका, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का सैंपल। इनक्यूबेट करेंगे इन सभी टेस्ट ट्यूब्स को 30 टू 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 16 टू 24 आवर्स। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो भी कम है, टाइट्रीमेट्रिक मेथड के कंपैरिजन में इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो भी कम है आपका। बाय यूजिंग एन अनइनोकुलेटेड ब्लैंक ट्यूब एडजस्ट द ट्रांसमिटेंस एट 614 माइक्रो एम मोलर
माइक्रो 100% इन द फोटो इलेक्ट्रिक कलोरीमीटर। आप कलोरीमीटर की हेल्प से आप 640 जो ये नैनोमीटर है इसका वेवलेंथ एडजस्ट करोगे और इस पे आप चेक करोगे उसकी कितनी आती है उसकी वैल्यू। थ्रोली मिक्स द कंटेंट्स ऑफ ईच ट्यूब एंड रिकॉर्ड द ट्रांसमिटेंस रीडिंग। ट्रांसमिटेंस रीडिंग को नोट करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे किसके वर्सेस ट्रांसमिटेंस वैल्यू के और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कोबाल्मिन सॉल्यूशन। जो आपकी ट्रांसमिटेंस वैल्यू आई है, रीडिंग आई है उसके, और जो आपका सॉल्यूशन था स्टैंडर्ड का उसके वर्सेस आप ग्राफ प्लॉट करोगे। ड्रा अ स्मूथ कर्व एंड कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन ऑफ साइनोकोबाल्मिन। आप इससे क्या करेंगे, हम साइनोकोबाल्मिन जो टेस्ट सॉल्यूशन थी उसकी वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड की कितनी वैल्यू है और टेस्ट की कितनी वैल्यू यूटिलाइज हुई है, जिसको हम इस मेथड को हम कहते हैं टर्बिडिमेट्रिक मेथड, जिसमें हमने कैलोरीमीटर के हेल्प से ट्रांसमिटेंस वैल्यू निकाली है और उसको स्टैंडर्ड के साथ सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया है। जितनी वैल्यू स्टैंडर्ड की आई है उतनी ही हमारी टेस्ट की भी आनी चाहिए। अगर सेम वैल्यू आती है तो दैट मीन्स आपका उतना ही इफेक्टिव है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं है। सो दीज आर द मेथड्स यूज्ड फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। अब अगर कोई भी नया एंटीबायोटिक मार्केट के अंदर आ रहा है उसको आप कैसे निकालते हो, उसकी कैसे ऐसे करते हो, इसके लिए हम एक वैल्यू यूज करते हैं जिसका नाम है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या है, इज द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। ये सबसे कम कंसंट्रेशन है एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड की, फाउंड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सबसे कम कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की जो इनहिबिट करता है ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इट मे अप्लाई टू असेस न्यू डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबायोटिक्स। ये सभी के ऊपर के लिए अप्लाई होता है। अगर सपोज आपको कोई नया डिसइंफेक्टेंट बनाना है, एंटीसेप्टिक बनाना है, प्रिजर्वेटिव बनाना है, ये उन सब के लिए अप्लाई होता है। MIC values are usually expressed in terms of microgram per ml or units per ml. MIC for different antimicrobial compounds may be determined by. हम MIC को कैसे निकाल सकते हैं, the liquid dilution method से या फिर solid dilution method से। ये दो method perform किए जाते हैं MIC minimum inhibitory concentration निकालने के लिए। ये हम जो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है ये उसके लिए निकालते हैं जब आप कोई नया एंटीबायोटिक, नया डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लिक्विड डाइल्यूशन और टेस्ट ट्यूब मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं जिसके अंदर आपका मीडियम होता है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इनोकुलम नॉट एडेड, इनोकुलम को ऐड नहीं करेंगे और स्टरिलिटी को चेक करेंगे कि आपने जो मीडिया लिया है वो स्टराइल है या नहीं है। बाकी के जो टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर आप इनोकुलम ऐड करोगे और फाइनल कंसंट्रेशन मेंटेन कर दोगे। सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट केमिकल्स भी ऐड करेंगे। टेस्ट केमिकल इज एडेड रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 0.5 टू 5 ml डालेंगे उसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। सेकंड टेस्ट ट्यूब जो आपने कंट्रोल लिया है उसकी चेक करेंगे कि वो स्टराइल है कि नहीं है, उसके अंदर कोई ग्रोथ हुई है कि नहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म की। अगर ग्रोथ होती है दैट मींस वो स्टराइल नहीं थी, आपको दोबारा से टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। फाइनल वॉल्यूम जो है आप 10 ml एडजस्ट करोगे बाय स्टराइल वाटर के साथ, इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और 2 से 3 दिनों के लिए इनक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। तो ये था आपका लिक्विड डाइल्यूशन मेथड जो आप परफॉर्म करते हो कभी जब भी आपका कोई भी नया एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक वगैरह कोई भी अगर मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए आप इस मेथड को फॉलो करते हो जिसका नाम है लिक्विड डाइल्यूशन और टेस्ट ट्यूब मेथड, जिसको हम लिक्विड डाइल्यूशन या फिर टेस्ट ट्यूब मेथड भी कहते हैं। After incubation, all test tubes are examined. जब आपका incubation period खत्म हो जाता है तो आप सभी test tubes को examine करोगे growth के लिए और minimum inhibitory concentration जो है वो record करोगे। नीचे आपका volume दिखाया गया है test के लिए कितना लेना है, trial water कितना लेना है, strength medium कितना लेना है आपने, कितना use करना है।
सेकेंड मेथड है आपका सॉलिड डाइल्यूशन मेथड। इसके अंदर आप क्या करते हो, वो था लिक्विड डाइल्यूशन, इसके अंदर आप सॉलिड डाइल्यूशन लोगे। टेस्ट केमिकल इज फर्स्ट मिक्स इनटू मोल्टन अगार, अगार के साथ आप टेस्ट केमिकल जिसको आपने टेस्ट करना है उसको मिक्स करोगे, पोर करोगे बैटरी प्लेट्स के अंदर। सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो इनोकुलम इज स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ अगार मीडियम, जो इनोकुलम है उसको अगार मीडियम के ऊपर स्प्रेड कर दोगे। सभी ट्यूब्स को इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 3 दिनों तक। After incubation, जब incubation पूरी हो जाती है, all plates are observed for growth of inoculum। उसके बाद हम चेक करते हैं कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है और उसमें मिनिमम इनिबेटरी कंसेंट्रेशन जो है निकालते हैं। इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, अगार लेते हैं। लिक्विड में हमने क्या किया था, लिक्विड मीडियम लिया था, इसके अंदर हम अगार मीडियम लेते हैं जो सोलिडिफाइड स्टेट में। तो उसके बाद आप जब इनक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो मिनिमम इनिबेटरी कंसेंट्रेशन जो है कैलकुलेट करते हो। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, several microorganism can be tested at the same time by the use of multi-point inoculator। आप इसके अंदर एक टाइम पे बहुत सारे microorganism की टेस्टिंग कर सकते हो multi-point inoculator लेकर। Contaminants are easily detected, contaminants को आप easily detect कर सकते हो, because colony features on solid media are more destructive than turbidity difference in fluid media। तो कोई भी अगर contamination हो रही है इसके अंदर, आप उसको easily detect कर सकते हो solid dilution method से। तो ये दो मेथड थे जो हम फॉलो करते हैं, या ये वो प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू हम न्यू एंटीबायोटिक्स की, न्यू एंटीसेप्टिक्स की माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हमने दो मेथड स्टडी करे हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा सॉलिड डाइल्यूशन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा लिक्विड डाइल्यूशन मेथड। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ विटामिन बी12। और इसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े हैं, फर्स्ट मेथड था हमारा डाइट्रीमेट्रिक मेथड और सेकंड मेथड था हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड। इसके अलावा हमने न्यू एंटीबायोटिक की जो असेसमेंट होती है, उसको जब नया एंटीबायोटिक को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए कौन से एसेस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी कि कौन कौन से मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे which comes under unit 4 in microbiological, in microbiology subject. This is unit 4. Today we completed unit 4. In next video we will study about unit 5. Thank you all. Hope you all will understand. Thank you.